Hey Google, stop. So what's up people, welcome to our YouTube channel. That's your boy Divesh Singh. So अभी एक्सरसाइज हो चुकी है, प्रोटीन शेक ले रहे हैं और उसके बाद नहा लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कुछ एक दो न्यूज. हाँ भाई, आप भी पियोगे प्रोटीन शेक? पीना है? हैं? बता दो. हैं? चलो, आज सो नहीं रही, आज तो पूरे मस्ती में है. सो ऐसे झूले में झूलेगी रूरू. तो आज हमने खाने में बनाया है चावल, जिसमें कि जीरा और मटर है. मटर मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि प्रोटीन अच्छा होता है. और साथ में हमने दाल बनाई है और ये बनाया है हमने वेज रायता जिसमें थोड़े से अनार भी हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें, दाल हो गया, मटर हो गया, ये ऐड करने से हमारे खाने में थोड़ा सा प्रोटीन ऐड हो जाता है. तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हो. सो बहुत लोग पूछते थे कि सिमरन जो है प्रेगनेंसी में क्या लेती है या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी उसने क्या लिया. सो कहीं ना कहीं आफ्टर प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी में उसने हाई प्रोटीन डाइट ली है. और मैं ये नहीं बोला कि प्रेगनेंट है उन लोगों को, जो प्रेगनेंट नहीं है उनको भी हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत होती है. एक इंसान मतलब जितना उसका बॉडी वेट है, जैसे कि अगर कोई 70 किलो का है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा, कोई 80 किलो का है तो उसे 80 ग्राम खाना पड़ेगा. तो ऐसे रहता है. पर हमारी इंडियन डाइट जो हम आजकल ले रहे हैं, ठीक है, हमारी डाइट तो मतलब जो पहले थी वो तो अच्छी थी, पर आजकल जो हम खा रहे हैं उसमें ज्यादा मुश्किल से हम 20 ग्राम या 15 ग्राम प्रोटीन लेते हैं कुछ, क्योंकि हम कचरा खाते हैं, बाहर का ये सब चीजें खाते हैं. खा रहे हो ठीक है, कभी थोड़ा बहुत चलता है, पर मिक्स रखो खाने को. जैसे कि इसमें दाल में प्रोटीन है, ये मटर है इसमें प्रोटीन है, तो हर खाने में कोशिश करो कि प्रोटीन ऐड हो जाए, जिससे कि तुम्हारी जो अपने अभी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी. और इस टाइम पर प्रोटीन बहुत जरूरी है, प्रोटीन कभी मिस नहीं करना चाहिए. आप एक बार कार्ब्स को मिस कर सकते हो, फैट को मिस कर सकते हो थोड़ा बहुत, पर आपको जो है प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है. और फैट भी खाना जरूरी होता है, हेल्दी फैट. और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उन्हें दही भी खानी चाहिए, उसमें बहुत कैल्शियम होता है. सो प्रेग्नेंट औरतें जो है वो ज्यादा प्रोटीन शेक वगैरह मतलब अभी डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं थोड़ा बहुत, पर वो ज्यादा नहीं ले सकती, थोड़ा बहुत ही खा सकती है. तो उनको जो है खाने से प्रोटीन लेने की जो है कोशिश करनी चाहिए. ये नहीं कि मीठे पे जोड़ दें, वो कार्ब्स हैं, फालतू के शुगर है और उसमें कुछ नहीं है सर, कोई फालतू कुछ तो फायदा नहीं होने वाला उससे, ठीक है. सो आप जो है हाई प्रोटीन डाइट पर रहो. सो बहुत लोग आप में से पूछते हैं कि सिमरन का टमी बिल्कुल नहीं है, और लास्ट वीडियो में भी जो साड़ी वाली वीडियो सबने बोला कि आपका पेट निकला प्रेगनेंसी के बाद, वो सिर्फ इसलिए जैसे कि दिवेश ने बताया कि प्रोटीन की मात्रा मैंने ज्यादा रखी है. मैंने एक वीडियो भी किया अपने चैनल पे. तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखने की वजह से मेरा फैट नहीं बढ़ा, सिर्फ जो बेबी वेट था, वाटर वेट था, वो निकल गया सब, और उसके बाद सिंपल बॉडी ऐसे ही रह गई. तो फैट नहीं था बॉडी में, तो इसलिए जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो गया एकदम, टमी अपने आप अंदर चली गई. और मैंने बेल्ट भी पहनी है साथ साथ, बहुत लोग पूछ लेते हैं, तो मैंने बेल्ट पहनी है मैटरनिटी बेल्ट, उसकी वजह से भी वो वहीं के वहीं रहा है. तो भैया अभी आ चुकी हैं गर्मियां और एसी चलाना बहुत जरूरी है, और इस टाइम पे हम किसी भी बंदे को घर में नहीं बुलाना चाहते एसी सर्विस करवाने के लिए, तो खुद ही कर रहे हैं. सो मैंने बीच में भी एक बार करी थी ऐसे, ठीक है, पिछले वाले लॉकडाउन में. सो कर लेते हैं, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान होता है. सो चलो आज एसी सर्विस करते हैं और फिर एसी में सोएंगे, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है. लगभग 40 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है दिन में, तो रात में भी 30-32 तो बड़े आराम से रहता है घर के अंदर. तो चलो करते हैं ऐसे, फिर गुरु भी आराम से सो पाएगी थोड़ा, वो भी बेचारी गर्मी में रहती है. अब भैया कहाँ पर बैठे हुए? एसी की सर्विस डन, आज रात से एसी चालू, मतलब अभी चालू हो गई, चेक कर रहा हूँ बस, ठंडा करना स्टार्ट कर दिया है. एक काम खत्म, अब नहा लेते. तो ये बाहर हो रहा है बारिश का मौसम, नहा धो के हो चुके हैं तैयार. क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, पर अभी हल्की हल्की गर्मी हो रही है. क्या करिए, तो मैंने कब मना करा वीडियो बनाने के लिए? तेरा आवाज आती है ना फिर, तुम्हारा काम काम, हमारा काम काम ही नहीं है. चलो भैया चलते हैं. चला भाई? Yes. हम जा रहे हैं सैर करने. ओके गूगल, गाड़ी चलाओ. वैसे अभी हम आए हैं मार्केट में, और हम वैसे मतलब भीड़ वाले एरिया में नहीं आए, बस ऐसे थोड़ा सा घूम रहे हैं, उसके बाद साइड में चले जाएंगे. जो हमें एक हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल के पास में जो मेडिकल होता है ना, वहाँ से हमें एक मैटरनिटी बेल्ट लेनी है सिमरन के लिए, क्योंकि हम पहले आए थे एक वहाँ पर जो वैसे मेडिकल होते हैं हमारे रोड वगैरह पे, उसमें नहीं है, उनके पास है नहीं, क्योंकि जो उसकी पुरानी वाली वो थोड़ी ख़राब हो गई है. तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक नई हम ले लें, तो क्योंकि अभी ऐसा है कि ऑनलाइन जो आ रही है वो लगभग 10-10 दिन में या 15-15 दिन में डिलीवरी हो रही है. सो मुझे यहीं से हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो ज़रूरी है इसके लिए.
बाकी देखते हैं अभी वो लेते हैं फिर पहुंचते हैं। और भाई भीड़ बिल्कुल कम है, भले ही लॉकडाउन नहीं है यूपी में, पर फिर भी हमारे इस मेरठ में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, सुनसान से। मार्केट खुले हुए पर सुनसान है। पर अभी जो पहले लॉकडाउन था सिर्फ सैटरडे संडे का, अभी लॉकडाउन बढ़ गया है, अभी फ्राइडे रात से जो है लॉकडाउन लग जाएगा, मतलब कि फ्राइडे की रात से स्टार्ट होगा। संडे और सैटरडे संडे और मंडे, मतलब कि ट्यूसडे की सुबह पे जो है लॉकडाउन खुलेगा। ये भी बेल्ट होगी या यार दोनों से सैनिटाइज कर लेंगे घर पे। सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है भाई हाथों को अच्छे से। सारा सामान आ गया, चलें भाई सैनिटाइज करवा दी। बात आंधी आ रही है भाई साहब बहुत तेज, जल्दी जल्दी घर निकल लेते हैं, है ना। सारा सामान आ गया, तो अचानक से आंधी और तूफान आ रहा है, जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं और बस ज़्यादा दूर नहीं, अब तो रोड पे आ गए हम, बस चलते हैं भाई। पर कुछ भी कहो अंदर शहर में सुनसान है, पर हमारे रोड पे यहाँ पे खूब भीड़ है, क्योंकि कल शाम को लॉकडाउन लग जाएगा तो सामान सब लेके जा रहे हैं। और बताओ क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। बाल बच्चे बढ़िया? बाल बच्चे बढ़िया, मस्त मस्त, मजे में? मजे में। तुम मजे में? हाँ मजे में, हम भी मजे में। सुबह से अभी हम घर आ चुके हैं और बहुत लोग से हम सुबह से बोल रहे हैं ना कि मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों से करनी है, कुछ न्यूज हैं ऐसी। सो बस वो यही है कि एक तो मेरा दोस्त है दिव्यांश और उसको कोरोना हो गया है, कोरोना पॉजिटिव है, उसकी अभी रिपोर्ट आई है। सो अभी वो घर में है, एक रूम में क्वारंटाइन है, वो दवाइयाँ उसकी चल रही हैं, अपना दवाई वाई खा रहा है, उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं तो वो सही हो जाएगा जल्दी। बाकी देखो इसकी मम्मी है, उनको वैक्सीन लग चुकी है, उसके पापा को वैक्सीन लग गई है, पर उनके आसपास एक दो जो है कोरोना पे जो है केसेस पाए गए। सो उनका जो आसपास के कुछ घर हैं वो क्वारंटाइन हो गए, मतलब पूरे ऐसे सील हो गए, तो वो लोग भी खुद अपने आप को उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया, इसकी मतलब इसकी मम्मी ने, मतलब कि रूरू की नानी ने। और हमारे कॉलोनी के आसपास भी जो है एक दो लोग जो है यहाँ पे ऐसे कोरोना पॉजिटिव आए, और बहुत ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों की डेथ भी हुई है। सो तो हमें अभी हमें ये नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डरा रहा हूँ या कुछ नेगेटिविटी ऐसा फैला रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इसके पीछे। सो आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो जिससे कि आप थोड़ा कुछ पॉजिटिव होकर जाते हो, थोड़ा सा अच्छा फील करते हो, पर यार कभी कभी कुछ अवेयरनेस फैलाना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने घर रहना है, सेफ रहना है, ठीक है। सो बस आप ये देखो कि लोगों की जाने जा रही हैं तो कितनी सीवियर प्रॉब्लम है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि पता नहीं चल रहा। मैं एक बात, अभी मुझे मौसा जी ने कॉल किया, उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर वाला था कोई, मैंने उस इंसान को पहली बार थोड़े दिन पहले देखा था, हाँ। और कल पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई, तो शॉकिंग, सदमे में थी ना कि ऐसा होता है, ऐसे कैसे। सो बस मतलब ये है कि यार कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और वो उस बंदे की उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी, 35-36 के करीब होगा, छोटे बच्चे, ठीक है। सो मतलब ये है कि अभी आपको ध्यान रखना है, घर में रहो, घर में ये नहीं कि मैं अभी भी देख रहा था, आज हम गए थे तो बहुत बच्चे और जो है वहाँ पे जो है टिक्की बर्गर और गोलगप्पे वगैरह खाने के लिए बाहर जा रहे हैं और बाहर खा रहे हैं, वो मत करो यार। अभी भले ही लॉकडाउन नहीं लगा है, 3 दिन का अभी भी खुला हुआ है, 3 दिन का लॉकडाउन जो कुछ भी है, पर आप मत जाओ। ये सब चीज़ आप घर में बना सकते हो और सस्ता भी पड़ेगा और कम से कम आप सेफ रहोगे। हम भी बना रहे हैं, आप हमारी वीडियोज़ देखो, बाकी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं कुकिंग वगैरह की, आप वो सब चीज़ें घर पर बना सकते हो, ठीक है। सो काम चला लो, नूडल्स नहीं खाओगे तो चलेगा, घर पे बनाओ ना, क्या दिक्कत है बाकी। और बस ये मैं कहूंगा कि सेफ रहो और थोड़ा सा और अच्छी डाइट पे भी थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज भी करो, एक्सरसाइज घर में करते रहो, लगे रहो, ठीक है। तो बाकी बस यही बातें थी, ये थोड़ा सा एक ऐसा एक वो वाली चीज हमें फील हुई कि यार बहुत डर गई हूं तब से। सो अभी हम जब जा रहे थे साइड से एक एम्बुलेंस गई थी, तो उसमें उस टाइम पे भी इसको एक खौफ सा आ गया था, इसको उस पे लिखा था शव वाहन। सो वो सब चीज़ें वो भी काले रंग से, मतलब मैं ही नहीं, वहाँ जितने आसपास लोग थे सब ऐसे देख रहे थे, मतलब इतना डर बैठ गया ना लोगों के अंदर उस चीज़। तो अभी आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना, इसको कोई नेगेटिविटी मत समझना कि आप सुबह सुबह आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या जिस टाइम पे देख रहे हैं, तो आप ध्यान रखो, सेफ रहो, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। आप घर में रहो, मस्त मस्त खाने बनाओ, हमारी वीडियो देखो, एंजॉय करो और खुश रहो, ठीक है, ठीक है, मजे में रहो। और रूरू की नानी क्वारंटीन हो गई है, तो वो चीकू से भी मिलने नहीं जा रही है, ना रूरू से मिलने से, तो वो समझ रही है, तो वो यही वाली बात है कि हम लोगों को भी समझना चाहिए, जिससे हम भी ध्यान रख रहे हैं, वो भी ध्यान रख रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखो अपना,
ठीक है चलो अब वीडियो को खत्म कर लेते हैं। बाकी अभी बस इस चीज को दिमाग में रखना है, इसको कोई ऐसे दिमाग में ये नहीं कि घर में रह के टेंशन में रहना, ऐसा नहीं, मस्त घर में रहना है, घर में रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना, और ये चीज ध्यान रखना कि खुश रहना है। कुछ घर से बाहर जा रहे हो तो मास्क पहन के जाना, बिल्कुल मत भूलना। घर के बाहर ग्रोसरी के लिए तो जाओगे, ठीक है, ग्रोसरी के लिए जाओगे, बाकी ज्यादा चीजों के लिए कोई जरूरत नहीं है, पर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो जो भी जा रहे हो तो आप बहुत प्रिकॉशंस लेके करो जो भी कुछ कर रहे हो। बाकी घर में रहो, मस्त रहो, सेफ रहो, बाय।